जो लोग आज भी देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं और भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत की चर्चा करते हैं, साझा विरासत की बात करते हैं, यही लोगों ने देश का टुकड़ा किया। अखंड भारत, भारत माता की अखंडता को तोड़ने का काम ऐसे ही नारों के सहारे उन्होंने की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धन्यवाद के पात्र हैं, जो उन्होंने आक्रांताओं के नामो निशान को, नाम को मिटा देना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी चीज है। आज भारत, हम गुलाम नहीं है, ना हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, ना मुगलों के गुलाम हैं। तो फिर इस गुलामी की पहचान, गुलामी की नाम क्यों? और योगी जी धन्यवाद के पात्र, क्या ये लोग नहीं जानते बिहार के बख्तियारपुर में खिलजी ने जो किया, यहाँ लूटा, नालंदा को लूटा, और आज उसके नाम पर बख्तियारपुर है। आज देश में कई सौ नामों को चेंज किया, जिसमें हम नवादा में देखते हैं अकबरपुर, तो कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ये कदम एक अच्छा कदम योगी जी ने उठाया है, और ये सौ का कदम है। एक अंदर में सौ का भाव उत्पन्न होता है कि आज प्रयागराज के कहते ही हमारे अंदर एक सांस्कृतिक भाव आता है, इसलिए प्रयागराज का नाम उन्होंने रखा, वो बहुत अच्छा किया। शहरों के नाम आप जिक्र कर रहे हैं बिहार के बारे में, आप भी मांग करेंगे अब तौर मंत्री यहां। देखिए देखिए, मैं जानता हूं कि देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर इशू पर वोट के सौदागर खड़े हो जाते हैं, चाहे आप देश के हित की बात करें, स्वाभिमान की बात करें, सांस्कृतिक विरासत की बात करें, सभी खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं तो मांग करूंगा कि पूरे देश में, बिहार में भी जो नाम मुगलों के नाम से जुड़ा हुआ है, उन नामों को हटाना चाहिए।